सो गुड आफ्टरनून लवली पीपल, कैसे हो आप सब? और स्वागत है आप सभी का हमारे 365 डेज 365 वीडियोस के एक और नए एपिसोड में। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेई एडवांस्ड के बारे में, जो कि 26 मई को है। तो आप सभी थोड़े ज़्यादा पैनिक हो रहे होंगे। तो हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस, मैं हूँ धीरज मौर्य फ्रॉम आईआईटी रोड की थर्ड ईयर, और आज मैं तुम लोग से कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि तुम लोग अपने एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ना कर दो जो कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यार एक चीज़ का ध्यान रखना कि अब जितना पढ़ लिया है ना वो पढ़ लिया है, अब ज़्यादा और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लमेटिक होगा अगर तुमने कुछ नहीं आया तुम्हें समझ में, तो वो तुम्हारा थोड़ा डीमोटिवेटिंग सा होगा। तो मैं अब तुम्हें कुछ नया नहीं उठाना है, लास्ट मोमेंट में तुमने जो पढ़ लिया है उसे और अच्छे से रिवाइज़ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फॉर्मूलाज रिवाइज़ करते जाओ करते जाओ, जो क्वेश्चंस तुम्हारे लगाए हुए हैं उन्हें और अच्छे से लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, पर कुछ नया मत उठाना, मैं यार सिर्फ इतना कहूँगा। बाकी यार मैं तुम लोग से एक चीज़ कहूँगा, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्ज़ाम हॉल में टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसे ध्यान रखना कि तुम्हें एकदम टाइम पर पहुँचना, जो तुम्हारी रिपोर्टिंग टाइम होगी ना भाई टाइम पर पहुँच जाना, हर सिनेरियो लेके चल लेना, कितने भी लेट हो सकते हो। अगर तुम्हारा सेंटर दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब 40-50 किलोमीटर दूर है, तो भाई कहीं पर होटल ले लेना पास में एक दिन पहले और फिर चले आना, ठीक है। लेकिन ऐसा मत होने देना कि तुम्हें काफ़ी दूर है और फिर तुम उसके एक दिन उसी दिन निकलो, तो थोड़ा ना हर एक सिनेरियो लेके चलना, कुछ भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे एग्ज़ाम्स को लेके, नो कॉम्प्रोमाइज। और आई वुड से कि खाना पीना अच्छे से खा के जाना, नहा धो के जाना, तुम लोग को इतना तो पता ही है, पर फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उसमें ना एक होता है यार कि कहीं ना कहीं माइंड फ्रेशनेस होती है, और खाना पीना खा के जाओगे तो तुम्हारी पूरे 6 क्योंकि 9 घंटे लगते हैं, 9 से 11 घंटे लगते हैं, तो यार उसमें ना तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए तुम्हें, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में कुछ नहीं मिलता है। और अपने अपने एडमिट कार्ड प्रिंट आउट ले जाने पड़ते हैं, तो तुम लोग को पता ही होगा। बाकी यार एडमिट कार्ड में फ़ोटो जो तुम लोग की रहेगी वो प्रॉपर सब होगा, सिग्नेचर वगैरह कर लेना, कोई भी चीटिंग वगैरह करने की तो कोशिश करना भी मत, मैं इतना कहूँगा। जेई एडवांस्ड इज़ अ एग्ज़ाम जो कि डिसाइड करेगा भाई तुम IIT में जाओगे या NIT IIIT, तो अब ये तुम्हारा फाइनल स्टेप है, इसके बाद ही तुम कॉलेज में एंटर करोगे, उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तो यार मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट माय फ्यूचर IITians, मेरे लवली पीपल्स, फ्यूचर IITians जितने भी IIT रोड की आओगे तो भाई हमसे मिलना तो तुम्हारा होगा ही, तो मेहनत करते रहो यार, और ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी फ्यूचर IITians इस बार अपीयर हो रहे हैं यार, मचा देना यार, फोड़ देना, लिटरली यार आई वुड से एवरी थिंग विल बी वर्थ इट, बस मचा देना यार इस एग्ज़ाम में। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। और लवली पीपल्स, अभी हम लोग रात में 10 बजे लाइव भी आएंगे, तो भाई लाइव में आ जाना, जितने भी जेई एडवांस वाले हैं सिर्फ एडवांस वालों को बुला रहे हैं, मेंस वाले कभी और लाइव आएंगे उनके लिए, तो अभी सिर्फ एडवांस वाले हैं, जितने भी हैं आ जाना, तुम लोग से बात करते हैं, तुम लोग को थोड़ा कम्फर्ट देते हैं, है ना। तो मिलते हैं सीधे लाइव के अंदर 10 PM टुडे 24 मई को। ओके बाय।